नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज रात को सोते समय भगवान से केवल 11 बार ऐसे बोल दें, फिर देखिएगा रात को ही चमत्कार होगा। आज मैं आपको बताऊंगी आपको ऐसा क्या बोलना है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आज रात को आपको सोना है। किसी भी अवस्था में आप सोएं, उस वक्त सोते समय आपने अपनी आंखें बंद करनी है और भगवान का ध्यान करना है। किसी का भी ध्यान करना, जिसको आप मानते हो अपने इष्ट का, उसको ध्यान करते हुए अपने मन में कोई भी ऐसी इच्छा है, चाहे वो आध्यात्मिक है या संसारिक है, जो भी आप चाहते हो उसको आपने 11 बार मन में बोलना है। उसके बाद आपने जब अपने मन में 11 बार अपनी इच्छा रखनी है, तो इच्छा रखने के बाद आपने अपने भगवान का स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है। रात को आपने अपने गुरु इष्ट या भगवान का स्मरण करना है, चाहे वो श्वासों में करो चाहे वो मन में। अपनी इच्छा को 11 बार बोलकर उसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए आपने सो जाना है। नाम जप करते करते अगर निंद्रा आ जाती है तो सो जाएं। और उसके बाद क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भगवान सबके अंदर है, हमारे अंदर ही है, बाहर कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने कबीर जी का वो दोहा तो सुना होगा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो भगवान हमारे अंदर होते हैं, हमारे विश्वास में होते हैं। दोस्तों याद रखो कि जब हम अपने अंदर कोई बात बोलते हैं तो वो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, हमारे शब्द पूरे ब्रह्मांड में उच्चारण होते हैं। तो हम जब सोते समय अपनी इच्छा को बोलेंगे तो सो जाएंगे, वो इच्छा हमारे अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वो उसी इच्छा को भगवान तक पहुंचाएगी, हमारी आत्मा की शक्ति। आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़कर आपका संदेश उस तक पहुंचा पाएगी। जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा तो आपकी जो इच्छा होगी वो भगवान तक पहुँच जाएंगी, और अवश्य ही स्वप्न में आपको कोई ऐसा दिखेगा जिसके द्वारा आपको लगेगा कि हाँ मेरी इच्छा पूरी होने जा रही है। अगली सुबह जब आप जागेंगे तो किसी के द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारी अंतर आत्मा भगवान से जुड़ी हुई है। लेकिन मन के वश में आकर हम अपनी इंद्रियों के द्वारा बाहरी संसार के काम करते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास आत्मा की वो ताकत है जो परमात्मा तक पहुंचने में हमारी सहायता करती है और हमारी हर बात को परमात्मा तक पहुंचाती है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि हम कई बार कुछ भी बोलते हैं या इच्छा करते वो सच हो जाता है, तो कई बार हमारी जो एकाग्रता है वो प्रभु से जुड़ने लगती है। उसके दौरान ही हम अपना नाम सिमरन जपते हैं जब, तब हमारा एकाग्र होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। नाम सिमरन में ऐसी ताकत होती है जिसके द्वारा हम अपनी बात को परमात्मा तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों आप ये 11 बार अपनी इच्छा को जरूर बोलकर देखना, देखना आपको कितना लाभ मिलता है। इस तरह आप अपने परमात्मा से भी जुड़ेंगे और अपने सिमरन से भी, और आपकी इच्छा भी पूरी होगी। धन्यवाद।